हो सकता है कुछ घटना ने आपको परेशान कर दिया है, या कुछ आपने सुना है, आप बेचैन हैं, मन का आक्रोश, मन की वेदना कैसे प्रकट करना आपको रास्ता नहीं छूटता है, कुछ नहीं, आप हो सके तो हॉस्टल के बाहर जाइए, किसी पेड़ के नीचे अकेले बैठिए और एक नोटबुक ले जाइए, उस कागज पे सारी घटना का वर्णन लिख दीजिए, लिखते चले जाइए, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, खुद को क्या लगा, सारा जितना जैसे फिल्म दिखती है सही सारा लिखते चले जाइए, फिर उसको पढ़िए मत, वहीं पर उसको फाड़ के जेब में टुकड़े डाल दीजिए, स्वच्छ भारत ये डाल रहा है। फिर भी मन हल्का नहीं हुआ, दोबारा लिखिए। पहले अगर आपने 8 पेज लिखा होगा, दोबारा लिखे हो तो 3-4 पेज में हो ही बात आ जाएगी। फिर भी उसको फाड़ दीजिए, टुकड़े जेब में डाल दीजिए, तीसरी बार लिखिए, अब देखोगे तीसरी बार वही बात 1-1.5 पेज में आ जाएगी। भीतर का जो है वो कागज पे टपकता जाएगा, अंदर से कम होता जाएगा, आप एब्सोल्युटली रिलैक्स फील करेंगे। आपको ये भी डर नहीं रहेगा, आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि कोई पढ़ लेगा तो किसी को बताऊंगा, किसी को हम बात क्यों बताते नहीं है, डर रहता है यार इसको बताऊंगा वो किसी और को बताएगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। खुद ही अंदर एक जगह है, खुद ही लिखें, उसको फाड़ दें, आप देख लेना घर में भी ऐसा वातावरण बिगड़ गया हो, मम्मी नाराज हो, टिकना हो, पढ़ाना हो, और मान लीजिए आप रखते हैं, आप अलग से बैठ करके लिख लीजिए, आपके भीतर की सारी जो मानवीय जो विकृतियां हैं वो कागज के सहारे से बाहर निकल जाएगी। यही अल्टीमेट उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है, ये छोटा सा उपाय भी कुछ पल के लिए तो आपका सहारा कर सकता है, कुछ दिन के लिए सहारा कर सकता है, खुद को खड़े होने की ताकत दे सकता है। दूसरा, कोई एक अगर हॉस्टल में रहते हैं तो कोई सीनियर स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई एक हमने ढूंढ के रखना चाहिए जिस पर हम भरोसा करें, उससे कभी मन की बातें बताया करें कि देखो यार इस बात पर माँ का फोन ही नहीं आएगा, चीज बड़ी नहीं होगी, उसके सामने कहो वो कहेगा, वो आपसे शायद उम्र में छोटा होगा तो अरे चिंता मत कर यार माँ काम में होगी, हमें लगता है हमारी दवाई हो गई, हमारा उपचार हो गया, क्यों किसी ने कह दिया यार हाँ माँ काम में होगी, मेरा मन कहाँ चल रहा था 2 घंटे से, देखो आज जन्मदिन है माँ का फोन नहीं आया, हो सकता है वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम, हो सकता है मोदी सरकार की बातें कुछ भी हो लेकिन इंटरनेट न चलता हो, और हम गुस्सा माँ पे निकालते हो, टेक्नोलॉजी फेलियर हो सकता है, तो वो एक छोटा सा वाला अरे नहीं चिंता मत करो, चलो चलो खा लेते हैं, चलो यार हॉस्टल में चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं तेरा जन्मदिन माने हुए, अरे चलो अपन जाते हैं, मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं, चॉकलेट खा लेते हैं। एक आध दोस्त तनावपूर्ण जिंदगी को भी बहुत हल्के फुल्के से ठीक कर लेता है। मैं समझता हूँ जीवन ऐसा खुलापन हो जाए, और मुझे तो मैं बहुत छोटी आयु से बाहर हूं तो मैंने जिंदगी को एक अलग तरीके से देखा, अलग अलग उतार चढ़ाव से जिंदगी मेरी गुजरी है, और इसलिए मुझे इन चीजों को व्यवहारू आते हैं, उसने मुझे जीना सिखाया है, और मैं समझता हूं कि शायद मेरी जैसी जिंदगी अलग थी तो सबको काम नहीं आ सकती है, लेकिन छोटा सा एक प्रयास है, लेकिन डिप्रेशन को लाइट न बच्चों ने लेना चाहिए, न गार्डियन ने लेना चाहिए, न टीचर ने लेना चाहिए, ये अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर समय पे रहते सही तरीके से उनको साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, समय बिताएंगे, स्थिति को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। और भारतीय समाज व्यवस्था ऐसी रही है कि जिसने हमें परिवार में ही एक प्रकार से हमारा DNA ऐसा बना हुआ है,
हम ऐसी चीजों को आसानी से झेल सकते हैं, ऐसी चीजों से जूझ सकते हैं और ऐसी चीजों से जिंदगी के रास्ते खोज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ ये आखिरी सवाल था। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करने का, बहुत ही अच्छे सवाल आप लोगों ने लिखे। मुझे भी आराम से आप लोगों से बात करने का मौका मिला, लेकिन मेरे अभिभावकों से एक आखिरी विनती है कि आप कभी, अगर आपका बेटा 14 साल का है, तो दिन में एक बार माँ और बाप दोनों, दिन में एक बार, आप जब 14 साल के थे तब क्या होता था, तब आपके मन में विचार क्या आते थे, तब आपके माँ बाप जो करते थे उससे आपको क्या होता था, एक बार याद कर लेंगे, आपके और आपके बच्चों के बीच का तनाव कभी नहीं बढ़ेगा। खुद एक बार याद कीजिए कि आप 14 साल के थे तब क्या होता था, तो 14 साल के बच्चे के साथ क्या करना वो आपका ही अनुभव आपको सिखा देगा, आपके माँ बाप से आपने जो सीखा है वो सिखा देगा। लेकिन बहुत माँ बाप है वो अगर 50 के हो गए तो चाहते हैं बच्चा भी 50 के हिसाब से उनसे बात करे। आवश्यकता है, बेटा 14 का है, बाप 50 का है, बाप 14 का बन करके उस बेटे को समझने की कोशिश करें। काफ़ी समस्याएं परिवार में टूट जाएगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एग्जाम उत्सव बने, आप जीवन को सफल बनाएं, जिंदगी को जीतें, गुण संपदा आपकी जिंदगी की ताकत है। पर्चे में लिखे हुए गुणांक ये जिंदगी में अल्टीमेट नहीं होता है। हम अपने आप को एजुकेट भी करें, हम आप अपने आप को ट्रेन भी करें। जितना महत्व एजुकेशन का है उतना ही महत्व जिंदगी में ट्रेनिंग का है, ये संतुलन बना करके चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।